आमदेद कह रहे हैं क्या ड्रामा विद मुकर्रम कलीम में। और अब चलेंगे ड्रामे की तरफ जो आपका जो कि आजकल आपका सबसे ज़्यादा फेवरेट जा रहा है, इसकी सबसे ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं, रेटिंग आ रही है। मैं बात कर रहा हूँ ड्रामा सीरियल इश्क मुर्शिद की। उसका जादू सर चढ़कर बोल रहा है और नादिया जी कुछ कहा आपने। इससे पहले मैं चाहती हूँ हम लोगों को बता दें यहाँ एक केक था जो अब हमारे पेटों में चला गया है। तो रोज हो माशाल्लाह माशाल्लाह आप रुबीना और मरीना क्लोज होंगे। मैंने कहा जी बिल्कुल इतने क्लोज है क्योंकि मुझे लगता है कि हम तीनों ही एंड में रह जाएंगे और दुनिया में कोई नहीं मिल रहा होगा, यही होंगे हम तीनों। अब हम श्रिंक होते जा रहे हैं, हम तीनों ही रह गए हैं बस सर्कल में। थैंक्स टू योर शो, इतने दुश्मन तो जंग में नहीं बनते। अच्छा हाँ इश्क मुर्शिद। अच्छा जी, तो इश्क मुर्शिद एपिसोड 14-15 में वायरल हो गया है बिलाल का डांस, वाज सो नाइस। वो जो एक वो पैसेज से उसने डांस किया है मुझे इतना अच्छा लगा। लेकिन अच्छा मुझे फैसल ने दिखाया कि तुमने इसका डांस देखा ये वो, उस वक्त मैंने एपिसोड नहीं देखा था और इतने थे, मैंने कहा हाँ दिखाओ, तो ही सेड इट्स सो नाइस। और वाकई बड़े मज़े का लगा, मुझे उससे भी ज़्यादा अच्छा लगा डांस से भी ज़्यादा जब वो ऐसे खड़ा हुआ है और वहाँ से शिब्रा आ जाती है और वो पूछने लगती है एक्सक्यूज मी बाहर नीचे ऊपर वहाँ इधर से बाहर, वो बहुत क्यूट था। नाम की बात हो रही थी सबसे पहले, शिब्रा नाइस नेम, शिब्रा क्या मतलब है इसका, शेरनी, शिब्रा नाइस नेम। तो बड़ा अच्छा सीन था शिब्रा का, शिब्रा जी जी। तो वो नाम लगता था थोड़ा अजीब इस दफा, तो कास्ट में ड्रामे में खुद ही बोल दिया ना, खुद ही एक एक्टर ने, तो कोई बात नहीं नाम है वैसे। वो बोला क्या जोरदार, यही बोला ना वो, कोई बात कर रहे थे वो क्या नाम था उस लड़की का, बड़ी डेयरिंग थी, शिब्रा नाइस नेम। किसने कहा मुझे वाले जो हैं वो जो जिनकी जिनका घर बिल्कुल एक फर्नीचर शॉप है। अच्छा अच्छा, होगा वो एक दुकान ही होगी। हाँ, हाँ। वो जरूर गुलबर्ग में एक दुकान होगी लाहौर में, मुझे पता है। मैं एक दिन जाऊंगी, मैं कहूंगी यही था ना वो घर बनाया हुआ था, क्योंकि किसी की दीवार पे इतनी प्लेटें, इतनी तस्वीरें, इतनी घड़ियां, इतनी चीजें नहीं लगी होती, और सीढ़ियों से आते हुए भी सीढ़ियों पे भी हैं। तो ये एक दुकान है, ये नहीं है, घर नहीं है किसी का। ये रफी पीर थिएटर लगता है मुझे हो सकता घर नहीं है, एक कार नहीं हो सकता, बाहर यहाँ से बाहर नीचे। अब वो पता नहीं बाथरूम का रास्ता बता रहा था, बाहर का रास्ता बता रहा था, बट दैट वॉज इवन बेटर देन द डांस। अच्छा फिर उसके बाद क्या है, दो मुझे वाई मोमेंट्स थे मेरे लिए इस इन दो एपिसोड में, ये तो बड़े मजे का था सारा कुछ। दो वाई मोमेंट्स ये थे, एक अब्बा ने शिब्रा को भेजा कि वो जो मिनिस्टर साहब हैं जिनके साथ पहले ही लड़ाई हुई है, जेल जा चुकी है बच्ची, लास्ट टाइम वो थोड़ी देर के लिए मिले, कितना बुरा था, अब उस बच्ची को फिर अकेले भेज रहे हैं। अकेले कौन भेजता है, खुद साथ जाना चाहिए, कौन नहीं ना, अब्बा की तो कोई हिस्ट्री है जो भी पता चलेगी, लेकिन फिर भी बहन को भेज देते, माँ को भेज देते, लेकिन आप एक बच्ची को, जवान जहान बच्ची को ऐसे आप पॉलिटिशियन के घर कैसे भेजेंगे, जो पहले उसको जेल में बंद करा चुके हैं, वहाँ पुलिस ऑफिसर भी इतना खौफनाक था, जो भी सर्कमस्टांसेस हो आप अकेले बच्ची को नहीं भेजेंगे किसी के घर। नंबर टू सीन क्यूट था जिसमें बिलाल बैठा हुआ है और वो छल्ली भून रहा है, क्या कर रहा है वो जो सब्जी वाला है, और वो कहता है बच्चे आते हैं आपके लिए, अंकल अंकल दादी ने आपके लिए स्वेटर बुना है, और उसने वो पहन लिया, वो तो स्वेटर ही नहीं था, वो दादी अपने वाला हाथ से बुना है वो तो मशीन, बल्कि जैकेट थी वो, सिली हुई कपड़े की जैकेट थी नहीं, और वो कह रहे हैं कि ये दादी ने आपके लिए अपने हाथ से बुना है स्वेटर, और दो तीन दफा बोला है दादी ने हाथ से बुना है, दादी ने हाथ से बुना है, तो सुना गया। तो फिर मैंने कहा देखती हूँ गौर से जैकेट, वो तो जैकेट थी बाजारी तो ये एंड वेरी फैंसी, तो आप अरेंज कर सकते थे ना एक स्वेटर निटू हुआ जो बुना हुआ होता है, ये बोल दें कि आपके लिए भेजा दादी ने, भिजवा दिया आपको,
खुद नहीं बनाया। दादी को क्यों उतनी फ्रैंक हो रही है कि दादी जैकेट भेज रही है? गुना वो अच्छा लगता है। ये वो वाले ड्रामेटिक लाइसेंस हैं जो वो शुरू से कॉमिक उसके तौर पे ले रहे हैं रिलीज के तौर पे। लेकिन एक स्वेटर तो स्वेटर बट स्कार्फ ही बना लेते हैं, बटास कर लेते हैं। और रुमाल पे आपके लिए कढ़ाई की है, चलो जी वो भी ठीक था। आपके लिए खीर बनाई है, आपके लिए फलूदा बनाया है। वो वहां स्वेटर पहन के बैठा था क्योंकि वो सर्दी का दिन था जब शूट हुआ। उन्होंने कहा कि उतार दें, उसने कहा मगर मुझे ठंड लगी। उन्होंने कहा अच्छा हम सीन बना लेते हैं कि दादी ने भेजा। आई थिंक इट वाज समथिंग लाइक दैट। या श्योर टू फार फेस्ट, मगर यही हुआ। बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ। तो ये मुझे समझ नहीं आई स्वेटर की कहानी, उसका अपना स्वेटर लग रहा था। बाकी जो मुझे क्यूट लगा सबसे ज्यादा सीन वो लगा जिसमें बिलाल रात को घर आता है, उसके पीछे डॉगी लगे हुए हैं और वो डॉगी बार्क कर रहे हैं, भौंक रहे हैं, और वो इतने प्यारी उसकी बार्किंग थी। वो छोटे डॉग्स थे, एक होता ना पीछे आवाज है जो वो ये थे चों 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 वाले डॉग्स, और वो उस पे कह रहा देखो ये मेरे पीछे लगे हुए हैं। और वो आवाज उन्होंने पेडिग्री डॉग्स की दी है ना, टॉय डॉग्स की आवाज थी, पता नहीं क्यों जानबूझ के दिए उन्होंने कि क्यूट लगे, या उनके पास कोई और साउंड इफेक्ट्स नहीं थे बड़े डॉगी के। बाकी दोनों एपिसोड्स ड्रामा ही मजे का हमें अच्छा लग रहा है, तो everybody's enjoying, so am I, loving the OST still, गाड़ी पे भी चलता है मेरे तो। किधर गया ये तो इश्क मुर्शिद इज दिस वन, आई एम लविंग बिलाल अब्बास इन दिस ड्रामा। और ये कि अब वो इजहार करने भी लगा है, अब आगे जाके हो सकता है उसको मार पड़े। ओके सो द स्टोरी हैज हुक्स, इट हैज इट्स मोमेंट्स, but at the moment I'm liking the, as in writing, the political nuances and the political side that's written more than the romantic and the normal household, jaise ghar ke scene hain, maa baap ke, shibra ke, behno ke, unse zyada mujhe maze ke scene wo lag rahe hain jo ke bilal aur uske baap ka scene hai, jab wo aake kehta hai ki main itni dur se aaya hu और आके ये कह आपको ये बताने आया हूँ कि आपने बहुत ब्लंडर कर दिया है और सारा जो यू नो इंटरनेट है वो भरा पड़ा इस बात से एंड आपके ख़िलाफ़ हैं लोग, और वो कहता है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और वो कॉन्वर्सेशन उसकी लॉजिक कि ये 60 यू नो दीज यंगस्टर्स डोंट मीन एनीथिंग एंड ही सेज़ देयर 63% ऑफ योर वोट बैंक एंड यू गोइंग टू लूज दिस इफ़ यू यू नो डोंट रिवर्ट बैक टू द सिचुएशन। और फिर भी जब वो उसको निगेट करता है तो वो कहता है कि आप अपने बेटे से नहीं पार्टी चेयरमैन से बात कर रहे हैं। आई लाइक दैट सीन। सो जो पॉलिटिकल एंगल है कहानी का वो अभी तक मुझे ग्लूड रखे हुए है, जबकि के मैं ये ड्रामा देख रही हूँ उस रोमांस के यू नो अनफोल्ड होने में प्रोग्रेशन के लिए एंड सो मैनी पीपल, बिकॉज हमारा हुक तो वही है ना कि अब कैसे और कब ये खुलेगा। सो उसके लिए पहली एपिसोड में तो वो प्रोग्रेशन ही था कि वो घर आ जाती है, वो माफ़ी मंग यू नो बाप जो है वो उसको निकलवा लेता है वो वहाँ से जेल से, और वो घर आ जाती है। घर वाले सीन्स बहुत अच्छे थे, बिलाल वाज अमेजिंग एंड द काइंड ऑफ होमवर्क दैट ही डिड, क्योंकि उसने कहाँ से वो सीन उठाया था डांस का जो बाद में वायरल हुआ उसका और दूसरा, और कितना अच्छा किया। It was amazing. So the homework on and the feeling into the character of this actor is amazing. Scene बहुत अच्छा बन गया। लेकिन अगले एपिसोड में जो कि 15 था है ना, जब वापस आ गई शिब्रा और सी व्यू पे बैठे हैं दोनों हैरान कन तौर पे, क्योंकि घर जाना चाहिए था, बेचारी दो दिन से जेल में थी और लग रहा था कि गाना आ गया ना एक लड़की के वोकल्स में वही रोमांटिक बात, तो हमें लगा कि शायद शी स्टार्टेड टू फील फॉर हिम। वहाँ से उन्होंने वो प्रोग्रेशन शुरू कर दिया ऑफ हर स्टार्टिंग टू फील फॉर हिम, और अगला पूरा एपिसोड उसके अराउंड था। माँ भी कह रही है बाप से कि फजल बख्श के साथ रिश्ता कर दें तो कैसा होगा, बहन भी उसको कह रही है अब आगे चलें, उसको बताएं उसको यू नो, कोई दोस्त भी कह रहा है कि जाओ गो टेल हर नाउ। वो प्रोग्रेशन कुछ somehow बना नहीं आके लगा नहीं। फिर वो एंड ऑन द फोन कॉन्वर्सेशन, वही दरवाजे से अंदर आने वाला सीन, वो सब फोर्स्ड थे। वहाँ आके राइटिंग जो थी वो मुझे उसने मुझे थोड़ा डिसअपॉइंट किया है। सो आई एम होपिंग कि आगे ये फिक्स हो जाए, बिकॉज इस प्ले का असल हुक तो ये रोमांस है
और ये गाना है जो कि उस रोमांस को लेके चल रहा है अभी तक, तो सिर्फ गाना अकेला नहीं लेके चल सकेगा, उसमें राइटर और डायरेक्टर दोनों को शामिल होना पड़ेगा। तो आप इमोजी दिखा दें। आई थिंक इट्स अ वन थम्स अप। मैना जी, मेरे लिए कहानी थोड़ी रुक गई, बिकॉज आई फील दैट वी आर जस्ट गोइंग अराउंड इन सर्कल्स। वो दोनों मिलते हैं, एक दूसरे को देखते हैं, फेंकते हैं, यू नो, सो दैट पार्ट इज ऑल रियली क्यूट एंड ऑल, बट द स्टोरी नीड्स टू मूव नाउ। एंड आई थिंक अभी जहाँ हम पहुँचे 15th एपिसोड पे, तो इसके बाद अब स्टोरी मूव होगी, बिकॉज ऑब्वियसली अब और क्या कहते हैं कि वहाँ से भी उसको थ्रेट हो रहा है कि उसकी शादी हो जाएगी बिलाल की टू दी हिना तरीन कैरेक्टर। यहाँ भी थोड़ा सा थ्रेट हो रहा है इसको दुर्रे के कैरेक्टर को कि अम्मा मेरी शादी करा देंगे। बट ओवरऑल फॉर मी द स्टोरी, द टू इंटरेस्टिंग थिंग्स दैट हैपन जो प्रीवियस हम एपिसोड्स देख रहे थे वॉज ऑब्वियसली इसका इसके बाप से मिलना पहली दफ़ा, और जो कॉन्फ्रंट दैट वॉज वेरी दैट वॉज दोज वर गुड सीन्स, उसका मारना, उसको कन्फ्रंट करना। Policeman was excellent. That boy did a very good job. I thought he was creepy. Ali Rizvi. Ali Rizvi. He was creepy. He's from Napa. He's also from Napa. Very good. Very, very, very good. Because uske or you know, because his whole demeanor was, you know, I mean that was a police officer and he was taking liberties, lekin he could because usko thappad pada. Uske baad to usne full liberties li. Jo cheez mujhe bilkul nahi samajh aayi was the purpose kidnapping. टंग इन चीक कॉमेडी, यू नो, रोमांटिक कॉमेडी काइंड ऑफ अ प्ले, बट आई थिंक पोस्ट कॉमेडी है वो ज्यादा है। हाँ, आई थिंक दैट वॉज टू मच, दैट वॉज, एंड देन हर कमिंग एंड स्क्रीमिंग एंड शाउटिंग एंड ऑल दैट टू मी वॉज जस्ट एब्सोल्युटली। So I felt that overall for me the play, I mean obviously we'll talk about the writing and what you know in the, but for me it sort of stopped slightly, and it needs an injection. It needs, I mean, yeah, I'm loving watching saving. It still because of you know, but it needs an injection. One thumbs up. Nadia, writing. Story to slow hai. Jo baat hai, I'm enjoying kar rahe hain, characters bhi itne mazay ke lag rahe hain. लेकिन स्टोरी स्लो है। जहाँ वो इंग्लिश में बात करता है अपनी सो कॉल्ड गर्लफ्रेंड से, जानू जिसका नाम रखा हुआ है, वो बड़ा क्यूट सीन था, बट अब ये मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो बहन और बिलाल करना क्या चाह रहे हैं। जब वो कह रहा है कि मैं इसको बताने लगा हूँ, बता दूंगा, तो फिर वो गर्लफ्रेंड को इतना ज़िंदा क्यों कर दिया उसने? इतना एक्टिवली उसके सीन्स चल रहे हैं उसके साथ, फ़ोन कॉल, तुम फ़ोन करना, वो है जानू का फ़ोन है, तो आई डोंट नो क्या प्लान है। नंबर्स राइटिंग के मुस्तफ़ा, इन दो एपिसोड देखना, सिक्स, गुड जॉब रवीना जी। आई वुड से दिस प्ले, आई जस्ट कीप थिंकिंग कि अगर इस प्ले में से ये गाना बिलाल और संडे निकाल दें, बिकॉज संडे को कहीं कुछ नहीं चलता ना, सो एक्सलेंट चॉइस ऑफ डे, तो फिर ये कहाँ होगा? सीरियसली, बिलाल, संडे और ये गाना अगर इसमें से निकल जाते हैं, बिकॉज आप जिस चीज़ पे बेस कर रहे हैं एज इन राइटिंग, कि एक लड़का है जो अमीर है लेकिन एक लड़की पे फ्लिप हो गया जो कि अमीर लोगों के ही ख़िलाफ़ है, और जिस किस्म का अमीर ये है, एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड वाला और शेडी, मतलब यू नो, झूठे, जैसे पॉलिटिशियंस हम कहते हैं कि होते हैं, तो बिल्कुल ही नो हो जाएगी। सो ही चेंजेज हिज stature and comes down to a servant ka level. I think wo level inhone bahut hi niche kar diya hai, itna servant kar diya hai ki jab servant aur ladki ek dusre se hans ke baat karte hain to main odd ho jati hu, main sochti hu kitna hi good looking koi servant kisi ghar mein aaye. So usko thoda sa logical rakha ja sakta tha, as in wo ek क्लर्क हो सकता था, मैनेजर हो जाता, एक गरीब क्लर्क हो सकता था, एक बहुत ईमानदार ऑफिसर हो सकता था, क्लर्क तो है बट नॉट इन द सेम ऑफिस एंड देन पे इस हवाले से इस घर में ना आता, एक पेइंग गेस्ट के हवाले से इस घर में रह रहा होता कि भाई एक लड़का है
जो कि जो जैसे बहुत बहुत सी अफसाने कहानियाँ हमने पढ़ी हैं कि एक लड़का है जो किसी गांव से आया है और बहुत इंटेलिजेंट है, टॉपर भी था अपने ज़माने में अपने कॉलेज का, लेकिन जाहिर है कि कोई सिफारिश नहीं थी तो क्लर्क की नौकरी, पढ़ा लिखा ही नहीं लग रहा है ना, वो क्लर्क की नौकरी कैसे मैच बनेगा, तो उसका वो इतना ही उसको नौकर ना बनाना कि लगे कि ये लड़की नौकर के साथ क्यों ऐसे चमी हो रही है और जाके और सीवीयू पे बैठ गई है कि आपकी लड़की सीएसएस ऑफिसर है, आप उसकी शादी की बात ही सोच भी कैसे सकते हैं तो? आप एक क्लर्क से करेंगे और जब पहली बच्ची की सेटलिंग हो रही, वो तो बाप ने कह दिया। देखो मुझे वहाँ वो तो बाप ने कह दिया, मेरा एक अपना भी इंट्यूशन है ऑन दिस, आई थिंक कि बहन ने माँ को बता दिया। नहीं नहीं मेरा ख्याल है ये माँ वैसे ही उस पे फिदा है, मेरा ख्याल है ना ये नहीं, अगर वैसे फिदा है तो बहुत ही लेम बात है, लेकिन अगर बहन ने बता दिया है कि ये असल में ये है और ये इस पे बहुत फ्लिप है तो आप शुरू करें बात, क्योंकि अगर इसको पता चल गया तो फिर तो ये नहीं करेगी, इन दोनों की मंगनी कर देते हैं या कुछ फजल बख्श से, तो हो सकता है इसको अच्छा भी लगता हो। सो माँ उसको, क्योंकि माँ जब बात कर रही थी बाप से ये, तो उसकी एक हल्की सी स्माइल थी थोड़ी सी मिस्टीरियस, यू नो कि फजल बख्श के बारे में क्या ख्याल है आपका, वो कहते हैं फजल बख्श कहाँ मेरी बेटी, कहाँ फजल बख्श है ना। सो आई थिंक द मदर हैज़ बीन टोल्ड बाय द सिस्टम, मगर ऐसा नहीं है तो फिर बहुत ही ऑड सीन था वो कि माँ को एकदम से ऑड ही था अपनी बेटी सीएसएस वाली बेटी की फजल बख्श से। हाँ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, शुरू से अच्छा लग रहा है ना, उसको हेल्प किया, उसको जान बचाई है, तो हॉस्पिटल लेके गया था। अच्छा, शी जस्ट लाइक से मेरा बेटा मेटा नहीं कहती, मेरा बेटा मेरा बेटा। हाँ तो खैर फिर ये ऑड बात है जी जी, बट आई थिंक इस एपिसोड में 15 में थोड़ी सी कहानी मुझे जो रोमांस था वो मुझे लग रहा है बहुत ही बैडली रिटन था, क्योंकि कहीं भी इट डिड नॉट कम एंड कनेक्ट विद मी, आई डोंट नो इफ इट कनेक्टेड विद अदर व्यूअर्स, ना गाना सेव कर सका ना थीम म्यूज़िक सेव कर सका, क्योंकि सारा स्क्रिप्ट जो लिखा हुआ था दोनों की कॉन्वर्सेशन और ये पूरा एपिसोड जो था इन्हीं दोनों लोगों के बारे में था और प्रोग्रेशन के बारे में था, वॉज टोटली इम्पैक्टलेस। नंबर्स आई थिंक आई विल स्टिल गिव इट अ 7। 7, वेरी गुड जॉब, गुड जॉब। I think I really liked how they got the two to confront each other, the father and this girl. Kuch bhi kar sakte the, but you know, they made an effort. I think the whole thing, it was written well, it was executed well. Mujhe thode se question marks the writing mein. Ek to, I think Rubina ne mentioned kiya tha ke jail ke foran baad they went to the seaside. Made no sense. I mean, you can find romance in other ways. वापस आते हुए रिक्शे में भी हो सकता है। हाँ बिल्कुल, वही बातें जो हैं वो सी साइड पे क्यों, वो तो फॉरन घर जाना चाहिए, बिकॉज़ इतनी एंग्जाइटी है उससे, मिल दो दिन से मिले नहीं है। फिर बाप जो है जो इतने असूल पसंद है, इतना स्ट्रिक्ट है, जब भी इसका जी चाहता है गांव जाने को उसको जाने देता है। व्हेन एवर ही वांट्स टू गो, मैं गांव जा रहा हूँ चला गया, गांव जा रहा हूँ चला गया, नहीं वो तो गांव चला गया, अच्छा वो गांव चला गया, अरे छुट्टी लेनी होती है, इतने आसानी से आप नहीं जा सकते। सो आई फाइंड दैट वाज अ बिट ऑफ अ फ्लॉ। मुझे जो चीज ऑकवर्ड लगी थी ना, वो लगी थी कि वो मिलने गए उस पॉलिटिशियन से, ये जो नूर साहब, ये पॉलिटिशियन से मिलने गए, उसे वेट कर रहा है और फिर उसको जब फोन करके कहता है, वो कहता है बस मुझे नहीं, मतलब आपने किसी के घर आए हो, आप मिलने के लिए किसी पॉलिटिशियन का आपने टाइम लिया है, एंड यू आर सिटिंग देयर, तो आप मिलके ही जाओगे ना। उसने कहा नहीं, वो एक हुक है, वो एक हिस्ट्री है कहीं, हिस्ट्री है जो ऑफ द फीमेल पॉलिटिशियन हु इज पास्ड अवे, उसकी और इस आदमी की, जो कि पहले इस पार्टी का बहुत आर्डेंट वर्कर था। देयर इज समथिंग, देयर इज सम स्टोरी। हां, और फिर जो पूरा ये जो फेक गर्लफ्रेंड वाला था, दैट इज जस्ट अननेसेसरी। आई थिंक इट वाज जस्ट समथिंग दैट इफ यू थिंक दैट वाज द रीजन दिस गर्ल इज गोइंग टू फॉल इन लव विद यू, देन द रॉन्ग रीजन इज दैट टू द रॉन्ग। बट माय फेवरेट लाइन in the entire thing was, I don't think was by the writer, but if it was, it was excellent, is by the original KB, sorry FP, Fazal Bakhsh. जब वो कहता है कि बस मैं ख़त्म कर रहा हूँ सब कुछ, कहता है कि नहीं रहने दो, कहानी को चलने दो, लोग पसंद कर रहे हैं। आई थिंक दैट वॉज सो ब्यूटिफुली इनकॉर्पोरेटेड
in that scenario, and it is a fact because they are talking about increasing the episodes. So that was just, I think, ab pata nahi usne kiya tha ya, you know, jisne bhi inko, but bahut intelligent. I mean, agar aapne koi cheez, even agar aap product placing karte hain, is kisam ki product placing ho, so that would be fantastic. This was shayad baad mein shoot kiya hai, so good, huh? बाद में शायद बहुत अच्छा. नो बट इट वाज जस्ट प्लेस्ड सो ब्यूटीफुली दैट यू डिडंट फील ऑकवर्ड. ये क्या आ गया, हाँ ये क्यों कह रहा है, लेकिन वो बहुत उसने अच्छा किया. सो आई लाइक आई सेड स्टोरी फॉर मी इज नॉट रियली डूइंग एनीथिंग. आई हैड टू मेनी क्वेश्चंस. आई थिंक अप टिल नाउ स्टोरी शुड हैव मूव्ड फॉरवर्ड. वी हैव टू बिकॉज कितना आप रोमांस दिखाएंगे, यू नो, आफ्टर व्हाइल इट स्टार्ट्स गेटिंग स्टेल. बट we are watching it and it's getting amazing views. Numbers, I would say, I think because it's still a very good watch, 6.5, 7, decide. मैंने दोनों दे दिए. 7. Okay. ऑडियंस जो वोट कास्ट किए हैं वो 12,000 किए हैं राइटिंग की कैटेगरी में, और जी इनके हिस्से में आए हैं 5,000. गेस करें. 5,000. अब्दुल खालिक खान साहब के हिस्से में आए हैं 3,000. 6,720. मुझे बीच वाला सीन बहुत खूबसूरत लगा जिस तरह शूट हुआ. इसमें शिब्रा की बड़ी अच्छी एक्टिंग, उसकी ऊपर जो लाइटिंग की हुई थी, जिस तरह वो शूट किया, एक्सप्रेशंस बहुत प्यारे लगे. वाकई उसकी आंखों में मोहब्बत लग रही थी कि शी इज फॉलिंग इन लव नाउ. अब उसका है फीलिंग्स फॉर दिस गाय, चाहे माने या ना माने. पुलिस वाले सीन्स बहुत अच्छे थे उसके सारे, जो स्टार्ट जहाँ से हुआ है कि उसको वो लेके जा रहा है. तो डायरेक्शन इज़ गुड उसमें, दोनों एपिसोड्स 14-15 में. बस फास्ट होने की ज़रा सी ज़रूरत है कि थोड़ा फास्ट हो जाए टेम्पो, तो फिर मज़ा आएगा. जो दो फ्लॉज थे वो मैंने पहले भी मेंशन किए, स्वेटर वाले और वो क्या था कि लड़की को अकेले क्यों भेजा. आई गिव हिम अ 7. गुड जॉब. रवीना जी, डायरेक्शन ओके है, कुछ गलत नहीं है. बस जहाँ जहाँ राइटिंग को फिक्स करने की ज़रूरत है, क्योंकि राइटर तो सिर्फ लिख देगा ना, जैसे कि मरीना ने कहा उस सीन में लिख दिया उन्होंने कि अगवा हो गई वो. अब वो कैसे करता है, ये डायरेक्टर के ऊपर बहुत काम होता है. सो उसने मोस्टली सिचुएशन संभाल ली हैं, सिर्फ बीच वाली सी व्यू वाली को वो सिनेरियो बदल सकता था घर की तरफ जाते हुए. रास्ते में भी बातें हो सकती थी या कुछ भी. देयर वाज दिस सीन जिसमें वो लड़की पहली दफ़ा इसके घर आ रही है, इसको फ़ौरन पता चलता है, ये नीचे जाके तस्वीरें उठाता है, बट एक तस्वीर बिल्कुल उसकी साइट के अंदर रखी हुई थी. हाँ. और वो भी इधर से मुंह यूं लाई है, ये भी नहीं था कि उसका मुंह इस तरफ. बट व्हेन शी एंटर्स द तस्वीर इज राइट देयर एंड व्हेन शी कम्स एंड स्टैंड्स इनसाइड, तब भी वो आदमी जब उससे बात करता है कि वो आ रहे हैं, वो आदमी इधर खड़ा, तस्वीर इधर पड़ी है. और वो एक ऐसी तस्वीर है जिस पे उसकी यूं नजर जानी चाहिए थी. वो इतनी बड़ी फ्लॉड मोमेंट था, इतनी बड़ी तस्वीर थी. सो माइनर माइनर फ्लॉज बट फिक्सेबल थे, होने चाहिए थे फिक्स. आई विल गिव हिम 7. 7, वेरी गुड जॉब. महिला जी, आई थिंक जब आप, बिकॉज अगर आप नोट करें कि, एंड आई सेड दिस राइट फ्रॉम द वर्ड गो, कि क्लोजअप से बहुत काम कर रहे हैं, और क्लोजअप्स में टेलीविजन में फेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट हैज टू बी वेरी एक्सप्रेसिव. एंड आई थिंक उस वजह से द डायरेक्टर हैज अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस अपने एक्टर्स पे, एंड ही इज़ डूइंग अ गुड जॉब विथ इट. बिकॉज जितने क्लोजअप्स, स्पेशली जो पुलिस के और वो दुर्रे के इंटरेक्शन थी, और द वे ही वॉज, यू नो, लाइक यू कुड टेल दैट दिस मैन, एंड इट वॉज वेरी वेल शॉट. इट वॉज वेरी वेल शॉट, इट वॉज वेरी वेल एक्टेड, एंड आई थिंक अ लॉट ऑफ क्रेडिट गोज टू द डायरेक्टर. वेयर आई फेल्ट अ फ्यू प्लेसेज दैट द डायरेक्शन डिडंट होल्ड अप, फिर एस एच ओ जो है उसको कहता है कि 2 घंटे में तुमको कॉल आने वाली है, वो कॉल नहीं आई 2 घंटे में, वो रात को उसको कॉल आई. दी वट रुबीना सेड वेयर शी एंटर्ड फ्रॉम, उसकी तस्वीरें बिल्कुल सामने पड़ी. सो शी इज़ वॉकिंग दिस वे, सामने कंसोल है, बड़ा शीशा है, और 3 तस्वीरें उसने उठा ली थी वहाँ से. सो देर वॉज नो वे दैट शी कुड नॉट सी, के दे शुड हैव थॉट थ्रू दैट वन. एंड देन देर वॉज अ सीन जहाँ ज़ारा तरीन सीढ़ियों के नीचे आती है और कहते जल्दी करें, यू नो, बहुत भूख लग रही है, एंड शी इज़ रियली ड्रेस्ड अप, और कट करें तो घर पर ही बैठ के खाना खा रहे हैं. सो थिंग्स लाइक दैट आई फेल्ट वर slightly flawed, not thought out, but and also the romance now, it's repetitive. It's good,
you like them together, they're doing a good job, but it's repetitive. Numbers. So I will say 6.5. 6.5. Audience से vote cast किए 12,700 और फारूक ग्रीन साहब के हिस्से में आए हैं 7,239, 57% बनते हैं, 5.7 मिलियन करेक्ट में जो हाईएस्ट हैं. वेल डन फारूक ग्रीन साहब. नादिया, दुरे फिशा, शिब्रा. शिब्रा क्या शुरू में बहुत अच्छा काम, इवन लास्ट एपिसोड में जहां वो अरेस्ट होती है और उसको लेके जाते हैं और फिर पुलिस वाला उसका बड़ी बदतमीजी करता है, वो भी मुझे वहाँ बड़ा अच्छा उसका काम लगा. और इसमें शुरू में स्पेशली क्योंकि उसकी जो लुक्स हैं, वो नहीं भी कुछ बोलती है तो उसकी आंखें बोलती हैं, खूबसूरत लगती है. बड़ा प्यारा डायरेक्टर ने उसको बड़े आराम से तहम्मुल से बहुत खूबसूरती से शूट किया उसको. आई विल गिव हर 8. रवीना जी, अभी के लिए आई थिंक the only one who's catching my attention and who's, you know, लग रहा है कि बहुत संभाल के अपना काम कर रहा है, वो बिलाल है. दुरे फिशा is fine in the character that she's playing, but कोई ऐसी wow moments नहीं आ रहे. टोपी वाला सीन भी, उसने क्यों जाके टोपी सर पे पहन ली, वो क्यों जो था वो एक्सप्लेन होना चाहिए था by the actor. So I give her a 5. I think Dure is enjoying this. You know, you can see that. और उसका एक खास वो है, जब भी उसे कोई कुछ पूछता है तो वो करती है. You know, she does this sort of look as to क्या है. You know, that बड़ा cute लगता है. And that's really उन दोनों की chemistry बहुत वही लोग enjoy कर रहे हैं. Exactly. And it's very comfortable. It's comfortable chemistry. It's not like मैं force कर रही हूँ अपने आप को. ये you know, it's like it's flowing naturally. आपस में उनकी आपस की I think understanding इतनी अच्छी है कि you know this is how it's flowing. But like Rubina said, there's nothing extraordinary that's happening. But I think because she's so comfortable with this, I think from the clothes to you know everything, she's carrying it well. I would give her a 7. Very good job. Audience जी वोट कास्ट किए हैं फीमेल कैटेगरी में 12,000 और दुरे फिशा के हिस्से में आए हैं ड्रामा सीरियल इश्क मुर्शद से 5,520, 46% बच्चे 4.6 मिले हैं. वेल डन, हाईएस्ट मार्क्स ले गई हैं दुरे फिशा. ऑडियंस की तरफ से अब बात कर ली जाए बिलाल अब्बास की. ना दिया बिलाल 9 या 10? नहीं ठीक है. बिलाल को ये दो एपिसोड्स में बिलाल वाज अमेजिंग, स्पेशली उसका डांस, वो उसका वो जो डायलॉग था ऊपर बाहर नीचे 9. ठीक है, कमाल. द ड्राइविंग फोर्स ऑफ दिस प्ले इज बिलाल और फिर यही डांस मोमेंट जो था वो उसने खुद सोचा था, खुद एग्जीक्यूट किया. बहुत प्यारी बात थी, बट ही स्टिल वॉज रियली गुड. एक सीन जिसमें मरीना ने कहा कि वो खाना खाने जा रहे थे और बिलाल ने कहा कि बहुत भूख लगी है, जब वो लड़की को खैर डॉज कर रहा था इसलिए भी कहा था, हो सकता है असल में ना लगी हो. और फिर वो खाने की मेज़ पे बैठे तो मैं सारे एक्टर्स को वहाँ पे ब्लेम करूँगी, बिकॉज नो वन लुक्ड लाइक दे वर रियली ईटिंग. No, no one was eating. No, no one no. ever eats in a dining table ka scene. I which don't is know why. बड़ी ये चेड़ा याद है, मैंने एक बच्चे को मार्क्स इसलिए दिए थे कि उसने खाने के सीन में खाना खाया था. खुशबू में बसे खत और किंजा हाशमी. सो बहुत बुरा खाना सबने खाया, बहुत ही बुरा, वो बुरा था. बट nonetheless, it's 8 for Bilal. मेरा जी बिलाल is taken this play to another level. It is definitely something that I think wo sochta bhi hai ki acha ab main ye scene karunga to kaise karunga. From drying the clothes to the chat with, the only thing jo mujhe believable nahi laga tha wo kidnapping ka pura sequence, that's the only thing I felt that I don't think that should have been in the thing. But फॉल्ट नहीं कर सकते, जहाँ भी उसकी परफॉर्मेंस आती है ही डज वेरी वेरी वेल. देर वॉज वन सीन विद द मदर एंड ही सेज समथिंग, आई कांट रिमेंबर व्हाट इट वाज, बट
I will also give him an 8. Because he is very good job. He is audience से जो वोट कास्ट किए हैं मेल कैटेगरी में वो 14,100 किए हैं और बिलाल के हिस्से में आए हैं इश मुर्शद से 9,064% बनते हैं 6.1 बिल्कुल सही है तो क्योंकि ये था ड्रामा सीरियल इश्क मुर्शद का रिव्यू